जब से पाकिस्तान का एक एनिमी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जब लोगों के मन में आया क्या इंडिया ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो इसी चीज को देखते हुए मैं चला गया इस खोज में कि हम कोई इंडियन एनिमी देख पाए। कि कहीं पर काम तो चल रहा ही हो भाई कि इंडिया में एनिमी आने वाला है, और जब भी मुझे कुछ एनिमी दिखे क्या ये सच है या फेक है या फिर क्या चल रहा है भाई इंडियन एनिमी कम्युनिटी में। तो इस खोज में मुझे सबसे पहला एनिमी जो मिला ये था तांडव, जिसका नाम सुनकर ऐसा लग रहा है भाई कुछ तो लड़ाई होने वाली है। लेकिन जैसे ही मैंने इस एनिमी का ट्रेलर टीजर और पता नहीं क्या क्या था वो देखना शुरू किया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है उसमें काफी सारी चीजें एआई से मिलकर बनी थी, कुछ क्या ज्यादातर चीजें ही। मुझे काफी ज्यादा शौक लगा कि भाई लोग इसे एक्चुअल एनिमी समझ रहे थे जो कि हो ही नहीं सकता। तुम किसी भी नॉर्मल एनिमी का टीजर ट्रेलर कुछ भी देख लेना, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क मिलेगा तुम्हें। रीजन, उसके अंदर हमें हमारे कैरेक्टर्स अच्छे से दिखाए जाते हैं, साइड कैरेक्टर्स, एक स्टोरी का पता चल जाता है, मतलब ऐसी चीजें दिखती हैं हमें। लेकिन इसके अंदर क्या, बस हमें सीनरीज दिखाई जा रही हैं। विलन टाइप के लिए बस एक एआई इमेज को उठाया गया है, उसके अंदर एनिमेशन डाल दी गई है, हल्का सा ब्लेंडर का यूज कर दिया गया है। वेल, मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, काफी दुख हुआ मुझे, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, चाहे वो कोशिश बस व्यूज के लिए हो, बट एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की। यही सेम चीज अप्लाई होती है दूसरे एनिमेज के लिए। वेल, दूसरा था हमारा वरदान, जो कि भाई नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि अगर ये एनिमे आया तो कोई सुपरनेचुरल पावर्स कुछ इस टाइप का होगा, मजा ही आ जाएगा। वेल, सच में, मैं सच बताऊं ना, इनका जो नेम है और जो इन नेमों से जो स्टोरी बन सकती है ना, जो कॉन्सेप्ट बन सकता है, बहुत अच्छा अच्छा बन सकता है। वेल, शायद ये लोग बना भी ले आगे चलकर, लेकिन इनके टीजर ट्रेलर और इनकी सभी चीजों को देखने के बाद आई कांट से एनीथिंग अबाउट देम, क्योंकि भाई ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे कि एक एनिमे को होना चाहिए। इसके अंदर बस एआई का यूज किया गया था, थोड़ा सा ब्लेंडर, हल्की सी एनिमेशन। 15-20 दिन के अंदर कोई बंदा कर देगा अगर कोई अच्छे तरीके से ये चीजें करना जानता है तो। मतलब एनिमेशन का तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स ऐसे चलते हुए दिखाए जा रहे हैं जहां पर कुछ हल्का सा स्टोरी का पता चले। बहुत हुआ यहाँ पर भी हम फेल होते हैं, सबसे पहले तांडव फेल, फिर हमारा वरदान भी फेल। तो तांडव को भाई इतने व्यूज थे, मैं सोच रहा था कि भाई कोई एनिमी आ रहा है, लेकिन जब मैंने उसका टीजर ट्रेलर देखा भाई काफी दुख हुआ मुझे वो देखकर। और लास्ट में बचता है हमारा ट्रायो, या इसको किसी और टाइप से प्रोनाउंस करते हो। वेल, ये शुरू में मुझे इंडियन एनिमी नहीं लग रहा था इसके नाम की वजह से, लेकिन उन्होंने टाइटल में हर चीज में डाल रखा था इंडियन एनिमी, फर्स्ट इंडियन एनिमी इस टाइप का कर। और सच बताऊं इसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन थी, लेकिन वो एनिमेशन ऐसी थी कि किसी ने ड्रॉइंग बनाई हो। वेल, कुछ ना करने से तो करना बेहतर है। मैं इन सभी को हेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन सैडली इनमें से कोई भी एक इंडियन एनिमे बनने के कैपेबल है ही नहीं। मैं सच बताऊं ना, अगर इनमें से कोई सा लॉन्च भी हो गया ना एनिमे, तो इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी, एनिमे को लात मार कर बाहर निकाल देंगे। क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान दो ना, इंडिया में अगर कुछ चीज बन रही है ना, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, जैपनीज एनिमे, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब वो चलेगी नहीं यार अगर अच्छी नहीं हुई तो ज्यादा मेहनत और सारी चीजें ज्यादा लगेंगी, क्योंकि भाई लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है। और जिसने मैंने बताया तुम्हें वरदान और तांडव और साथ में ट्रायो, भाई कोई भी इंडियन एनिमे, वेल मुझे नहीं लगता कि ये रिलीज भी होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई से रिलीज भी हो जाए, बड़ी बात है। बस ये एक तरीके से टेंशन लेने के लिए है, और छोटा मोटा कुछ कर दें ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है इनसे। और जो बंदे सोच रहे थे कि ये फर्स्ट इंडियन एनिमे है, कोई उम्मीद मत रखना, सच में हार्श वर्ड थे, बट यही रियलिटी है कि उन्होंने एआई का यूज किया। लेकिन हाँ, सॉन्ग अच्छा था, गुड जॉब, सॉन्ग काफी अच्छा लगा मुझे सभी का ही, मतलब उसका भी जो वरदान था और टांडा, भाई सॉन्ग मस्त बनाते हो तुम लोग। ठीक है, आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यार मुझे इस चीज के बारे में बोलना इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि भाई बंदे सोच रहे हैं कि ये इंडिया में इंडिया का खुद का एनिमे आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। मे बी ये रिलीज भी ना करें, या फिर करें तो छोटा मोटा ऐसे ही होगा। तुम कुछ बड़ी चीज एक्सपेक्ट मत करना, एक्सपेक्टेशन को अपनी ऐसे गिरा दो। ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूं, जरूर से लाइक कर देना, और हां चैनल की बाकी वीडियोस देख लो। तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।